बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के करेक्शन का सेट नंबर 15 करवाऊंगा। तो इसका पहला सेंटेंस देखें, ही कम्स हेयर सेल्डम। सेल्डम एक ऐसा लफ्ज है जो हमेशा सब्जेक्ट के फौरन बाद इस्तेमाल होता है। ही सेल्डम कम्स हेयर, यहां से काट के सेल्डम इधर लगा दें तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नंबर सेकंड पे ऑफन भी एक ऐसा लफ्ज है जो हमेशा सब्जेक्ट के फौरन बाद इस्तेमाल होता है। ही ऑफन कम्स लेट, यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। और नंबर थ्री पे ही बिहेव्ड कवार्डली। अब कवार्डली का मतलब होता है बुजदिल। ये एल वाई जो है इसके आखिर पर एल वाई आने के बावजूद ये एडवर्ब नहीं है बल्कि ये अपना एडजेक्टिव है। इस तरह फोर नंबर में माइजरली के एंड पर एल वाई आ गया है। एल वाई आने के बावजूद, हालांकि जिन लफ्जों के एंड पर मैंने बताया हुआ है 95% अल्फाज इंग्लिश के ऐसे अल्फाज जिनके आखिर पर एल वाई आता है वो एडवर्ब होते हैं, तो ये कवार्डली और माइजरली ये दो ऐसे लफ्ज हैं जो एल वाई आने के बावजूद एडवर्ब नहीं है बल्कि ये एडजेक्टिव है। कवार्डली और ये माइजरली ये भी एडजेक्टिव है, इसलिए इनको एडवर्ब बनाने के लिए हमने क्या करना है, ही बिहेव्ड लाइक अ कवार्ड, ये एल वाई काट देना है इसका। ही लिव्स लाइक अ माइजर, एल वाई काट देना, करेक्ट हो गया। नंबर आगे फाइव, ही डाइड 2 months अगो। अब ये देखें डाइड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये जो बिफोर है इसको काट के अगो लगा देना है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 5 लफ्ज ऐसे हैं, नंबर 1 अगो, नंबर 2 यस्टरडे, और नंबर 3 जो है लास्ट, और नंबर 4 जो है प्रीवियस, और नंबर 5 कोई भी सन, मसलन 1990, मगर सिंस फार के बगैर, सिंस फार के बगैर आना चाहिए। ये जो 5 वर्ड हैं ये हमेशा पांचवें टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, एडिड इस्तेमाल होता है। तो ही डाइड 2 months बिफोर की बजाय अगो आ जाएगा। नंबर 6 है डू यू नो हाउ टू स्विम, ये नो वर्ब आ गया और ये भी वर्ब आ गया, तो इसके बारे में हमेशा ये ध्यान में रखें कि किसी भी सेंटेंस में जब नो आ जाए या न्यू आ जाए या नोज आ जाए और उसके फौरन बाद टू आ जाए और टू के फौरन बाद कोई भी वर्ब आ जाए तो आपने क्या करना है, हाउ टू का इस्तेमाल करना है। ही डू यू नो, क्या तुम जानते हो हाउ टू स्विम, कि तैरा कैसे जाता है, क्या तुम तैरना जानते हो, क्योंकि ये डबल वर्ब आ गए, एक वर्ब ये है और डबल वर्ब एक वर्ब ये है, इन दोनों को टू से जोड़ा गया है। ये मैंने जैसे पहले बताया जब भी डबल वर्ब आ जाए, एक वर्ब ये आए एक वर्ब ये, तो दोनों को बीच में से टू से जोड़ देते हैं। लेकिन इसमें ये है कि जब भी नो आ जाए कोई लफ्ज, नो आ जाए, न्यू आ जाए या नोज आ जाए और उसके फौरन बाद टू आ जाए और टू के फौरन बाद कोई भी वर्ब आ जाए तो फिर हाउ टू का इस्तेमाल करते हैं, हाउ का इजाफा कर दिया यहाँ पे। ही सिंग्स वेल, यहाँ पे गुड नहीं आएगा, वेल आएगा, क्यों, जो वजूदी चीजें होती हैं जिनका वजूद होता है, मसलन ब्यूटीफुल गर्ल, इंटरेस्टिंग बुक, अब बुक या गर्ल इनका वजूद है, जो चीजें वजूदी होती हैं उनके लिए गुड लगाते हैं। अब आवाज का कोई वजूद नहीं है, ही सिंग्स, गुड नहीं आएगा, वेल आएगा, जो वजूदी चीजें होती हैं उनके लिए गुड लगाते हैं और जो गैर वजूदी चीजें होती हैं उनके लिए वेल इस्तेमाल करते हैं, जैसे खुशबू है या ब्यूटी है उसका वजूद नहीं है। नंबर आगे 8 है यू आर वेरी काइंड, अब काइंड के बाद हमेशा टू प्रेपोजिशन आती है, ऑन नहीं आती, ये भी करेक्ट हो गया। नंबर 9 है द बर्ड इज सिटिंग, यहाँ ऑन की बजाय इन आ जाएगा। अगर दरख्त टुंड मुंड हो बिल्कुल, उसमें कोई भी पत्ता ना हो तो फिर आप ऑन लगाएंगे, लेकिन अगर उसके अंदर पत्ते हैं तो जब परिंदा बैठेगा तो वो परिंदा हमेशा जब भी बैठेगा, चाहे छोटे से छोटा परिंदा हो, उसका इतना वजन जरूर होता है कि वो पत्तों के अंदर ही घुस जाता है, उसके वजन से वो अंदर चला जाता है। तो इनके लिए द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री। और नंबर 10 है आई एम एंग्री ऑन यू, यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, विद आएगा,
एंग्री, एंग्री भी तो होता है किसी शख्स से नाराज होना, और एंग्री जो टू होता है वो किसी शब्द पर नाराज होना, और एंग्री ऑन किसी बात पर नाराज होना। तो यहाँ पे एंग्री विद यू शख्स है, और शख्स के लिए विद इस्तेमाल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।